हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ई अधिगम कार्यक्रम के तहत स्कूल टैब में नए नए सुधार किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। अभी तक विद्यार्थी वन स्कूल स्टूडेंट ऐप से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब टैबलेट में MDM सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दो फीचर और जोड़ दिए गए हैं। एक है CG सलेट और दूसरा है iPrep PAL अप्लीकेशन। अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए और चैप्टर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। अब विद्यार्थी इन ऐप्स से भी पढ़ाई कर सकेंगे। आज की वीडियो में हम आपको CG स्लेट एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे कि इसमें एक विद्यार्थी और एक अध्यापक कैसे लॉगिन करेंगे और इस पर पढ़ने और पढ़ाने की क्रियाएँ कैसे करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपके टैब में आपको यह चार एप्लीकेशन मिलेंगी, अवसर ऐप, वन स्कूल स्टूडेंट ऐप, CG स्लेट और iPrep PAL। CG स्लेट एप्लीकेशन की फुल फॉर्म है कॉनवे जीनियस PAL ऐप। आइए जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें। सबसे पहले आप CG स्लेट ऐप के लोगो पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर हाईलाइट किए गए दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करें और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। उसके बाद आपको स्क्रीन पर ओके का बटन दिखाई देगा। आप यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आप छात्र हैं तो अपना SRN नंबर व जन्म की तारीख और जन्म का महीना एक साथ लिखेंगे, और यदि आप एक अध्यापक हैं तो अपने एम्प्लॉई ID व जन्म की तारीख और जन्म का महीना एक साथ लिखेंगे। और सेकंड आइकन में स्क्रीन पर अपने आप HRPAL23 विवरण दिखेगा। आप कुछ भी बदलाव नहीं करें, इसको ऐसे का ऐसे रहने दें। अब हम आपको बताते हैं कि अपना SRN नंबर और डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यूज़र नेम में SRN नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ। यदि आपकी जन्मतिथि 2 है और महीना 9 है तो आप पहले अपना SRN नंबर लिखेंगे और उसके बाद 02 और 09 इनपुट करेंगे। और इसी तरह अगर आप एक टीचर हैं तो अपनी एम्प्लॉई ID और डेट ऑफ बर्थ तथा डेट ऑफ मंथ दोनों लिखेंगे। जैसे आपकी जन्मतिथि 2 है और महीना 9 है तो आप 02 और 09 अपनी एम्प्लॉई ID के बाद लिखेंगे। उसके बाद आपको सेकंड आइकन में HRPAL23 लिखा मिलेगा। आपने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आगे बढ़ने के लिए आप फोटो पर क्लिक करेंगे। दिखाए गए चित्र में आपकी प्रोफाइल की जानकारी जैसे आपका नाम, कक्षा, SRN नंबर, अगर आप टीचर हैं तो आपकी एम्प्लॉई ID दिखाएगा। इसके बाद पढ़ाई शुरू करने से पहले आप अपना प्रोफाइल पिन दर्ज करेंगे। प्रोफाइल पिन आपकी जन्मतिथि और जन्म का महीना होगा। छात्र अपने जन्म की तारीख और जन्म का महीना एक साथ लिखेंगे और टीचर अपने जन्म की तारीख और जन्म का महीना एक साथ लिखेंगे। जैसे ही आप अपना प्रोफाइल पिन डालेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने पढ़ाई करने के लिए उस विषय का चयन करना है जिसको आप अध्ययन करना चाहते हैं। यहाँ छात्र अपने माध्यम के अनुसार केमिस्ट्री या अकाउंटेंसी विषयों का अध्ययन कर सकेंगे। उदाहरण के लिए यदि छात्र का माध्यम हिंदी है और स्ट्रीम कॉमर्स है तो वो लेखा शास्त्र पर क्लिक करें, और अगर छात्र का माध्यम इंग्लिश है और स्ट्रीम साइंस है तो वो केमिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। विषय पर क्लिक करने के बाद दिखाए गए चित्र के अनुसार सभी अध्याय दिखाई देंगे। अध्याय शुरू करने से पहले आपको रेमेडियल टेस्ट देना होगा। यह केवल छात्रों के लिए है। रेमेडियल टेस्ट के लिए आपको यह अलर्ट दिखेगा, रेडी फॉर द टेस्ट, यू कैन अटेम्प्ट इट ओनली वंस। आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट खुलकर आ जाएगा। स्क्रीन पर आपको टेस्ट मिलेगा और जिसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे। टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको इस तरह का अलर्ट मिलेगा, डू यू वांट टू फिनिश द टेस्ट। आप यस या नो पर क्लिक कर सकते हैं। टेस्ट पूरा होने के बाद आपको विभिन्न उप विषय भी दिखाई देंगे।
इसके बाद वीडियो और परीक्षणों के साथ अपनी व्यक्तिगत और अनुकूल सीखने की यात्रा शुरू कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर क्लिक करते ही वीडियो या टेस्ट अपने आप शुरू हो जाएंगे। आइए अब सीजी स्लेट एप्लीकेशन से संबंधित कुछ शिकायतों पर विचार करें। अगर सीजी पैल एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा हो तो क्या करें? छात्र इस समस्या को शिक्षकों तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद शिक्षक, प्रधानाचार्य, अवसर पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप में यह जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। क्लिक करने पर CGPEL एप्लीकेशन नहीं खुलता हो, लॉगिन करते समय स्क्रीन पर अगर आपका विवरण गलत दिखा रहा हो, नेक्स्ट पर क्लिक करने से होम स्क्रीन पर नहीं जा रहा हो, अगर दिखाए गए विवरण सही नहीं हो, प्रोफाइल स्क्रीन पर पिन दर्ज करने के बाद भी स्क्रीन पर गलत दिखाई दे रहा हो, यदि कोई अध्याय प्रारंभ नहीं हो रहे हो, इन सभी स्थितियों में सबसे पहले आप यह जांच लें कि इंटरनेट सही काम कर रहा है या नहीं। सबसे बड़ी समस्या इसमें इंटरनेट की है। छात्र इस समस्या को शिक्षकों तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद शिक्षक या प्रधानाचार्य अवसर पोर्टल पर तथा हेल्पलाइन नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप से यह जानकारी दर्ज करवाकर आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो में हम आपको iPrep PEL एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।